أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته খুব হাসি আমি তোমার দোস্তানো খুব শেরাম সাপে আমি এই দোস্তান বেখাই ইনশাআল্লাহ ওয়াক্ত খুবই ও জিন্দেগি আরামি নাস্তে বাসি দোস্তান খুব শুভ বিপরমাই তাহির কাজিমী সালাম খুব হাসি শুভ আলাইকুম আসসালাম মানা পুগম তোমা কবি খুব বহুত শুকরাম খান মাদে শুভ খুব হাসান আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব বহুত খানি মাদে শুভ শুকরাম আনা খুব বল খুশ মি গুজারাত इंशाल्लाह वक्त खूबी व जिंदगी आरामी दाश्ते बाशीद सलामत बाशीद खेले खो खो शाम को शुमा ना आलाम ना खुर्दम साथ चाम शुमा शाम भी पूरी दस क्लास দিলদার ভক্তি মান দিলদার দারাম বলে আবেদার মিনু শ্যাম বলে আবেদার মিফুরাম জর্রাহ জর্রাহ জর্রাহি বিকুনার আমল বিকুনার জর্রাহ মানে জর্রাহি বিকুনার জর্রাহি বিকুনার জর্রাহি বিকুনার মানে জর্রাহ জর্রাহি বিকুনার জর্রাহি বিকুনার আমল বিকুনার আমল বিকুনার মুতাজাসদি মানে জর্রাহ ইয়ানি সার্জন জর্রাহ ইয়ানি সার্জন মানে জর্রাহ জর্রাহি বিকুনার অপারেশন করতে হয় জর্রাহ अमल भी कुना क्या करता है ऑपरेट करता है तो जैसी दूसरा भले 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 ओ भले खूब शुमा में भले कीरा भी कुना दर्रा कीरा भी कुना कुछ भी कर सकता है वो कुछ में नहीं करता मगर वो फारसी वाला मतलब पहले तो जैसा खान नूरानी सलाम खूब हसी शुमा পিতার বুজুর্গ বুধম भले आप इसे आई होंगी और उसके बाद वीडियो देखने की भी जहमत नहीं की होगी आप हमें मजबूर है सब मेहमान भले कल से देखे अब तक इनके मेहमान है अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिला है भले कल रात की तो बात है भले तो आज पूरे दिन क्या किया आपने भले तो दोस्तों दोपहर से मेहमान
आइए कुलदीप सिंह सलाम खूब हासी शुमा वालेकुम सलाम अदर मन खूब हम शुमा खूब हस्ती खूब हम शुक्र हम शुमा पे फरमाए दरू ताक तदरीबात चिकार भी कुनान भले आगा दरू ताक तदरीबात चिकार भी कुनान भले कल ही बताया था मैंने बाबी तदीन हम भूल भी हम भूल भी जब में बीमार रहा बासिरोमो बेटा दीन मिशुया जख में बीमार है मिशुया बले वो बेवसीले बांध बांध से मान भी को ना बेवसीले बांध जख में बीमार रा बा बेटा दीन मुतवजा थी बले आगा मिशुया मिशुयान व बाबान बले बेवसीले बान बेवसीले ये बान बान यानी पट्टी बेवसीले बान बान से मान कुनान बान से मान यानी बान से मान ड्रेसिंग बैंड ड्रेसिंग ड्रेसिंग यानी पट्टी दारो काम का तजरीना द उतापे तजरीबा जख्म बीमार रहा बावे कदीर मिशुयानो बेवसीले बान पान से मान भी कुनान मुतावजे शुदी सुल्तान या ना बले आगा मुतावजे शुदी बले आगा बेकाडीन आप जानते हैं जख्म धोने के लिए जो लिक्विड आता है दरुला का तजरीबा जख्म बीमार रहा बावे कदीर मिशुयानो बेवसीले बान बाद यानी कोई पट्टी वगैरह पान से मार भी को ना यानी ड्रेसिंग करते हैं आए के सलाम खूब हस्ती शुमा वालेकुम अस्सलाम आगा खूब हम शुमा को भी खूब हम तो शक्कर हम खानवादे शुमा चे खबर आना खूब हस्तन खानवादे शुमा चे खबर आना खूब हम शुमा चे कार में कुनी मन बा दोस्तम सुखबत भी को ना मागा शुमा पे फरमाई दरुक बले در اتاق عمل چه کار میکنن؟ در اتاق عمل در اتاق عمل بیماران را بیماران را جراحی میکنن جراحی میکنن یا عمل میکنن اتاق عمل یعنی آپریشن روم آپریشن روم آپریشن تھیٹر بله بیماران را بله جراحی میکنن متوجه هستی بله خیلی خوب وقتی شما سرما میخوری چه کار میکنی؟ وقتی من سرما میخورم من برای دکتر میروم پیش دکتر میروم پیش وقتی وقتی سرما میخورم عطسه میکنم عطسه میکنم سرفه میکنم وقتی سرما میخورم عطسه میکنم و سرفه میکنم بله و میرم پیشه پیش دکتر و دکتر چه کار میکنن دکتر چه کار میکنن پزشک چه کار میکنن برای من نسخه میدن نسخه و اول چه کار میکنن اول چه کار میکنن اول معاینه میکنن معاینه میکنن و بعد نسخه مینویسن شما بله دارو از کجا میخری من دارو خانه می خریدم از دارو خانه می خرم متوجه هستید من دارو از دارو خانه می خرم از دارو خانه می خرم وہاں سے تو نہیں کر رہی سرکاری کیا ہے دیسی شراب خانہ کون سا ہوتا ہے سرکاری کیا لکھا ہوتا ہے دیسی دیسی متوجہ ہستید بلے ماں دارو سر دارو خانے می خرم می خرم بله سهر سلام خوب هستی شما سلام آقا من خوبم شما خوب هم خوبم بله شما فرمایید شما از کجا دارو می خرید بله از دارو خانه من از دارو خانه من از دارو خانه دکتر وقتی شما سرما می خورید دکتر در نسخه چه می نویسد پزشک در نسخه چه می نویسد؟ شربت شربت
भले कोर्स मिनट्स बस कैप्सूल कैप्सूल व वक्त ज्यादा मिशन वक्त ज्यादा मरीज मिशन आमपुर व सेरम हम भी नबी सर भले आमपुल दोस्त ना दारा मागा हिच दुख्तरी आमपुल दोस्त ना दारा भले हागा हिच दुख्तरी आमपुल दोस्त ना दारा दिया कौन सी लड़की कोई लड़की छोटी छोटी चीज से भी डरती है बोले गैरा वालेकुम अस्सलाम आगा मन खूबम शुमा सेहत शुभ मीत हमसा बात अब खेली खूबी है हमें ये हमसा भले आगा मन खूबम शुमा खूबी खूबम भले आना खूबन खानवादे शुमा चे खबर आगा भले आगा बाजे इंसान हाँ बच्चे कसानी या पहला इसके फादर में इतना कौन वो पहला चूज करते हैं जबकि कसानी के चिश्माइस्तान सही पास कसानी के चिश्माइस्तान सही पास वो दो जिनकी आंखें कमजोर है वो अच्छे से नहीं देख पाते कतानिया पहला किसके बाद बोला इंसान आई वीर व मालूल अस्तंदरिये चरखदार इसके बादे भी गुना या कसानी के देवी तवाहन खूब राह में रवान कसानी के नेवी तवाहन खूब राह में रवान भले कसानी के पा खूब नादारंद नेवी तवानन खूब राह पे रवान कसानी के नेवी तवानन खूब राह पे रवान वो लोग के जो नहीं कर अच्छे से रास्ता नहीं चल सकते आन्हा असंदरी चरखदार इस्तेफादे हमें ये दोस्तान बताओ जैसे दे भले आका खूब अलार निगाह को नहीं दोस्तान अलार निगाह को नहीं बेफरमाई क्या है बेफरमाई
ये एक वर्ड है लेकिन इस्तेमाल इसके देखिए आप, अभी आ गया होगा तो मैं कहता हूँ बेफरमाए यानी बोलिए बेफरमाए आगा मन मेहमान बेफरमाए आगा मन मिया बेफरमाए। हाँ देखिए अभी क्या कहा मैं फोन उठा आपने कॉल की मुझे बेफरमाए यानी बोलिए कोई रूम में आना चाह रहा है बेफरमाए अंदर आ जाइए खड़ा है कोई मैं बिठाना चाह रहा हूँ कुर्सी पे बेफरमाए भले खाना रखा हुआ है आप आइए बेफरमाए तो यहाँ पे क्या आइए खाना चाहिए वर्ड लेकिन ये एहतराम के लिए कितनी चीजों के लिए यूज होता है बोलिए हेलो बेफरमाए बेफरमाए आइए जब जाना चाहिए मैं अच्छा मैं चलता हूँ बेफरमाए बेफरमाए बोलिए के लिए भी आता है आइए के लिए भी जाइए के लिए जाने की इजाजत भी देने के लिए आने की इजाजत बैठने की इजाजत खिलाने की इजाजत मतलब भले एक वर्ड लफ्ज भी माना देंगे पर बोलना बोलिए बेफरमाए क्या नहीं बोलिए फरमाइए उर्दू में क्या कहता है फरमाइए जाए की जाने की बेफरमाए क्या बोलते हैं बेफरमाए मुतवज्जो शुदी दोस्तान इस लफ्ज का एक पॉइंट यही बेफरमाई है मुतवज्जो शुदी फिरोज अहमद के नाम से कौन है फिरोज अहमद के नाम से खूब सिन हफीदो फरीजनी स्तन इंशा पूजा स्तन आफरीन सलाम आफरीन फातिमे खूब हसी शुमा खूब एक नुक्ता तो ये था दूसरा नुक्ता है भले मन अलार्म मशगूली इश्काली नदर एक नुक्ता इस दर्द का यह है जदन यानी मारना मेन मकसद है आपको बताना ये मजदर दो तरह का हो मजदर मजदर सादा मजदर मजदर सादे मजदर सादे और मजदर मुरक्कब जो सिंगल है सिंगल है जोड़ नहीं है मिले हुए नहीं है लेकिन कुछ मजदार ऐसे होते हैं जो मुरक्कब होते हैं भले कंपाउंड वर्ब्स जदन के साथ मिक्स है दस जदन जंग जदन भले सीधा किसी दन भले सीधा किसी दन सीधा वैसे हो सकता है कि मस्जिद के वक्त आपका जो आधा मस्जिद है उसके माना जब सिंगल हो तो अलग हो लेकिन मुरक्कब होने के बाद माना चेंज हो जाते हैं जैसे जदन के माना क्या है मारना लेकिन जब ये मसदर का यूज हुआ तो इसके मुख्तलिफ माना आ जाते हैं कसीदन के माना है खींचना कसीदन के माना है लेकिन अभी मैं कहूँ सिगार कसीदन सिगरेट पीना जहमत कसीदन यानी जहमत उठाना तो मजदर मुरक्कब मुमकिन है मजदर मुरक्कब उस मजदर को कहते हैं जो कम से दो पार्ट से मिलकर बनता है और मजदर मुरक्कब में मुमकिन है कि आधा जो मजदर है वो मुरक्कब का आधा पार्ट जो है उसका हो सकता है सिंगल में उसके माना अलग हो लेकिन जब मुरक्कब होता है तो माना बोलिए बदल जाता है बदल जाते हैं मिसाल के तौर पर आप देखिए जदन क्या है जदन वैसे ददन के माना क्या है मारना के माना मारना है ददन के माना मारना मुतवज्जह हैं हमें ये दोस्तान इंचा हवासे भले होगा दोस्तान हवासे तून इंचा बाशे हवासे तून जाम बाशे भले हमें ये दोस्तान इंचा बाशे
زدن کے معنی کیا ہے؟ مارنا. لیکن اس مصدر مرکب دیکھیے آپ انجنگامی کو نہیں پوچھتا بلے آگا لبخان زدن بلے شانے شانے زدن شانے زدن بلے شانے زدن شانے زدن بولتے تھے یہاں کو بھی تو ملا کوئی میں بس شہر بول رہی ہے ٹیلیفون آمپول زدن متوجہ ہے دور زدن سود زدن متوجہ ہے نا بلے سود زدن دیکھیے ایک مطلب زدن کے معنی تھے لیکن جب یہ مرکب کا یوز ہوا تو دیکھیے کتنے معنی میں کتنا فرق آ گیا اب الگ الگ معنی دے رہا ہے یہ زدن لکھیے سوت زدن سیٹی مارنا سیٹی مارنا سوت لکھتے رہیے آپ سوت زدن سیٹی مارنا کنگا کرنا کریم لگانا کریم پوتنا تو بولنا انجیکشن لگانا دور زدن سیر کرنا نشان بنا کیسے ملے گا ایسے یو ٹرن
तो जदन के बाद आगे लेके मारना था, लेकिन इनके साथ मिलके यहाँ पर सीटी मारना, यहाँ मुस्कुराना जी, कंगा करना, दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जदन के माना मारना पड़ गई और आप कही सीटी मारना, यहाँ तक तो ठीक है, सीटी मारना, लखन मारना, कंगा मारना, किरे मारना, ये माना मत करिएगा, ठीक है? भले आगे जंग की मानी के अंदर सूत यानी सीटी वॉच बैक सीटी बजाता है, मतलब कॉल करना, जंग जदन कॉल करना, जंग बैल बजाना। मिटा भी ये लिखा, स्क्रीनशॉट लिया, क्या किया? स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो तो किताब में से भी ले लेते हैं, क्योंकि मीनिंग तो मैंने सिर्फ बोल रहे हैं, वॉइस थोड़ी है। बोले बताओ तो सुनी दिया ना, متخصص قلب است میرے پاپا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے ایشان رئیس بیمارستان نے ابن سینا بیمارستان ابن سینا سینا वो इब्ने सीना हॉस्पिटल के डीन है, हेड मुतवज्जे शुरीद आ गई। अमन खान शुमा पे खानी शुमा रही दो जूद जूद पे खानी दोस्तान दोस्तम दर खयाबान तसादुन कर तसादुन कर मेरे फ्रेंड का रोड पर एक्सीडेंट हो गए एक्सीडेंट हो गया वो अज पूरा जूद उसको जूद यानी फौरन जल्दी बेबख्शे उर्जांस इमरजेंसी वार्ड में गुरदंद ले गए। बख्शे बख्श यानी वार्ड बख्शे उर्जांस वार्ड बख्शे उर्जांस यानी इमरजेंसी वार्ड में ले गए। मेरे फ्रेंड का हाईवे पर रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उसको जल्दी इमरजेंसी वार्ड में ले गए। भले फरहत दीबा खानूम शुमारी से भले आगा बरादरम मरीज अस्त मेरा भाई बीमार है वो इमरोज अलावे बरखुर्दने कोर्स व कैप्सूल व आमपुल हम ना वाह कॉमा है कॉमा है वो इमरोज अलावे बरखुर्दने कोर्स व कैप्सूल वो आर कैप्सूल और टेबलेट खाने के अलावा इंजेक्शन भी लगाया। भले कायनात शुमारी से उन्होंने आज कैप्सूल और टैबलेट खाने के अलावा इंजेक्शन भी लगाया। भले कायनात मेरे डॉक्टर भले आवा डॉक्टर गुफ्त क्या डॉक्टर है डॉक्टर ने बोला क्या क्या ताल्लुक है डॉक्टर गुफ्त में मुजाफ मुजाफ ने सिफत मौतूफ है कभी पेन को मुरक्कब इसके साथ होते हुए देखा है डॉक्टर 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 नहीं डॉक्टर डॉक्टर ने कहा हर हष्ट सात हर आठ घंटे में एक कोर्स एक टेबलेट व एक खास वजह शरबत स्पून चम्मच सिरप पियो। डॉक्टर ने कहा हर आठ घंटे में एक टैबलेट खाओ और एक खाने वाला चम्मच सिरप पियो। भले किसा सुमा भी खानी भले आगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोख्तरे कूचिकम बेखातिरे सरमा खुर्दम मेरी छोटी बहन अच्छा दुख्तर बहन भी हो गई पहले दुख्तर पूछिकम बेखातिर सरमा खुर्दम छोटी बेटी भले मेरी छोटी हाँ इतनी शर्मा रही है कि भाई अभी आपकी शादी नहीं हुई और आपको बेटी कहते हुए इस टाइम शर्मा रही है। दुख्तर पूछिकम मेरी छोटी बेटी बेखातिर सरमा खुर्दम कोल्ड होने की वजह से
सर्दी होने की वजह से तब आ रहा है, उस बुखार है उसे वो ज्यादा सुरफे वास्ते भी कुना तो बहुत खास रही है और सीख रही है। भले मेरी छोटी बेटी सर्दी होने की वजह से कोल्ड होने की वजह से बुखार है उसको और वो बहुत छीक रही है और खास रही है। मुतवज्जे शुदी दोस्तान खूब सैयद अल्लाह खानी सुबह बेखानी दंदान अली दर्द मिकुनत अली के दांतों में दर्द हो रहा है। हाँ, अली के दांत दर्द करते हैं यानी उसके दांत में दर्द है। वो इमरुज बराए दरमान दंदान दंदान हायाज वो अपने दांतों के इलाज के लिए दरमान दंदान हायाज अपने दांतों के इलाज के लिए बराए यानी लिए बेदंदान पेशी मेरा यानी डेंटिस्ट के जाएगा डेंटिस्ट पर डेंटल लैब जाएगा दांतों के हॉस्पिटल जाएगा। रही से शुमा भी खानी दर बीमारिस्तान हा उता के तसरीफा दर बीमारिस्तान हा उता के तसरीफा बख्शे उशान आजमाइशगा दारुखाने व उताके अमल वजूदारत अमल वजूदारत हॉस्पिटल्स में हस्पतालों में उताके तजरीकात रूम बख्शे उशान एमरजेंसी वार्ड आजमाइशगा लैब दारुखाने मेडिकल स्टोर व उताके अमल और ऑपरेशन थिएटर मौजूद होता है। अस्पतालों में ये चीजें मौजूद होती हैं वजूद रखती हैं। क्या क्या चीजें हॉस्पिटल में वजूद रखती हैं उताके तजरीका इंजेक्शन वगैरह पट्टी बांधने के लिए जो रूम होता है वो बख्श और शास इमरजेंसी वार्ड आजमाइश गानी लैब दारुखाने उताके अमल और दारुखाने यानी दारुखाने मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर और ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। दर्द आके तजरीकात जख्म बीमार रा जख्म दर्द आके तजरीकात स्टडी रूम होता है ना का वो पता नहीं कौन सा रूम होता है क्या कहते हैं जहाँ पट्टी वट्टी बांधते हैं पेशेंट्स के जख्म को जख्म बीमार रहा पेशेंट के जख्म को बात तेरों को बेतादीन मिशुयान बेतादीन और स्लाइन से धोते हैं वो बेवसीला बांध पांच से बाद मिकुनान और पट्टी से उसकी ड्रेसिंग करते हैं शबाहत ज़ैनब بله مشغولی پدر بزرگان در بیمارستان بستری است میرے دادا ہسپتال بستری است میرے دادا ہسپتال میں ہسپیٹلائزڈ ہے نانا بھی ہو سکتے ہیں دادا نانا جو بھی ماں ہر روز بے عیادت ایشان می رویم ہم میرے دادا ہسپتال میں کیا ہے हॉस्पिटल में एडमिट है क्या है मेरे दादा हॉस्पिटल में एडमिट है या क्या बोलते हैं हॉस्पिटलाइज है हम रोजाना उनकी अयादत के लिए जाते हैं शाहीन फौते में मैंने भी फरमाई फातिमे मुतखस्सिसो जर्राहे चश्मास्त फातिमा आंखों की सर्जन और आंखों की आई स्पेशलिस्ट है। फातिमा आई स्पेशलिस्ट और सर्जन है आई सर्जन है ईशान चश्मे बीमारान रा ईशान चश्मे बीमारान रा मुआयने व जर्राही भी कुनात वो बीमारों की आंखों का चेकअप और ऑपरेशन करती हैं और ऑपरेशन करती हैं। भले मुतवज्जे शुदी हमें ये दोस्तान भले खेले खूब अलान निगाह कुनीत लुत्फान जाए गुदीन कुनीत निगाह कुनीत मान दो रोजा दंदान दर्द मिकुनात मान दो रोजा दंदानाम दर्द मिकुनात या दंदानाम देखिए यार यहाँ पर
यहाँ पर निहात किसे बनाया? दांतों को। याद निहात किसे बनाया? दांतों। निहात जिसके बारे में बताया, तो यहाँ पर दांतों को निहात बनाया है, इसलिए मीकुनाद थर्ड पर्सन यूज किया फेल को, क्योंकि दांत थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर निहात क्या है? मन, दंदा। मन यहाँ पर मन दंदा दर्द, मन यहाँ पर यह मेरे दांत दर्द कर रहे हैं या मैं दांत दर्द रखता हूँ, ठीक है? इसलिए इसलिए यहाँ पे धारम आया है। ये मत कहना यहाँ पे मी कुनम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ मेरे दांत में और मुझमें बहुत फर्क है। मेरे दांत दर्द करते हैं और एक दवा यह के मैं दांत दर्द रखता हूँ, भले ऐसे आपको दो तरह से एक जुमले को कहना है। मन दो रोजा यानी मैं दो दिन है, दो दिन हुए के मेरे दांतों में दर्द है, मैं दो दिन हुए के मेरे दांतों में दर्द है, मैं दो दिन है दो दिन हुए के मैं दांत दर्द रखता हूँ, भले। फर्जंदान चार साल का, फर्जंदान चार साल सरस सरस दर्द मिकुना, देखिए दंदा थर्ड पर्सन है ना, फर्जंदान थर्ड पर्सन, सरस दर्द मिकुना या फर्जंदा फर्जंदा चार साल सरदर सरदर देखिए ना, देखिए एक दफा क्या है पिसाराम चार साल के सरस दर्द मिकुना, सरस दर्द मिकुना, और एक दफा क्या है फर्जंदा चार पार दस के सरदार पिता बुद्ध के मान एक माहस भले पेपर ये पहला जुमला देखिए, पिता बुजुर्ग मान बहरूस और दूसरे तरीके से पिता बुजुर्ग ये वाला दूसरा तरीका क्या है इब्राहिम एक हफ्ते आज के कमर दर्द, एक होता है कमरस गर्मी कुना, एक होता है कमरस गर्मी कुना, कमर दर्द दर्द कमर दर्द दर्द कमरस यहाँ पर किसके बारे उसकी कमर दर्द करती है, उसकी कमर दर्द करती है, यहाँ क्या कमर दर्द कमर दर्द दर्द वो कमर कमर दर्द करता है लेकिन यहाँ कमर दर्द करती है, माँ एक साल ये तो अपने बारे में था, आंखों के बारे में चश्मे मान दर्द मिकुना की आंखों के बारे में निहार थी। अब दूसरा माँ एक साल चश्म दर्द शर्मा खुरदन मजदार है, देखिए ये भी मजदार मुरक्कब है शर्मा खुरदन, वैसे खुरदन के माना क्या है खाना है, लेकिन मजदार जब मुरक्कब हुआ शर्मा खुरदन कोल्ड होना, पहले शर्मा मीपुरा में मुझे कोल्ड होता है आमफूल जना आमफूल भी जना पहले पे फार्मा दोस्तान
दस्त शुमा दर्द न कुने। तो ये यहाँ बेफरमाइड कुछ देर के टाइम कह रहे हैं बेफरमाइड, और मेहमानों को खाना शुरू करने के लिए कह रहे हैं बेफरमाइड खाइए। उस्ताद आए खड़े हो गए यानी बैठ जाइए बेफरमाइश। यहाँ बैठा था बस में बड़े मियाँ बुजुर्ग आए खड़ा हो गया बेफरमाइश आप आइए। अब हेलो सलाम बेफरमाइश हेलो बोलिए बेफरमाइश। अब यहाँ पर ये बैठे हैं डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं नंबर आने का। अब इनका नंबर आ गया तो अभी कह रही है रिसेप्शनिस्ट बेफरमाइश यानी चाहिए आपके नंबर आ गया। अभी कह रहे तो शक के रहा हूँ यहाँ पर बेफरमाइश लिफ्ट में अंदर बुला रहे हैं नहीं लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट में बाहर निकलने के लिए बेफरमाइश आप पहले चलिए ठीक है। तो ये कह रहा ना सुमा बेफरमाइश आप आगे चलिए। अभी कह रहा है टैक्सी में बैठ के किराया दे रहा है उतरते टाइम किराया दे रहा है बेफरमाइश लीजिए। तो कह रहा काबिल है ना तारे कोई बात नहीं रहने दीजिए मत दीजिए देखिए जदन से कहते हैं जदन जदन यानी मारना। ये बच्चे को क्यों मार रहा है भाई ये बच्चे को क्यों मार रहा है शरारत कर रहा है भले भले होशियार इतना है कि ऐसी जगह मार रहा है कि चोट ना लगे कमर पे। जदन के माना क्या है मारना। लेकिन जब मसदर फर्म का इस्तेमाल होता है तो शान जदन किरीम जदन उतू जदन दर जदन नोक नोक करना फरमाए जंग जदन टेलीफोन जदन जंग जदन जंग जदन दस्त जदन हर जदन दस जदन बेहम जदन रंग जदन आंखो जदन। हाँ देखिए जंग जदन जदन के माना टेलीफोन जदन के माना है कॉल करना और जंग जदन के माना है बैल बजाना बैल बजाना दर जदन पहले आगे मैं भी सोचे दिया आंखो जदन इंशाल्लाह वक्त तमाम शुरू इंशाल्लाह बाकी पर्दा दोस्तान कुल्ले दस्तर मुताले कुनीन अलाक के नहीं रहा थे नविश्तानो खानदाने तारीफ नविश्तानो खानदाने तारीफ कैसे तारीफ लिखते हैं और पढ़ते हैं वो कल बताएंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फाजिल फरजहु। इंशाअल्लाह दोस्तान मुवफ़क़ व मुय्यद बाशीन मुराक़िब खुदतान बाशीन खुदा निगहदारे शुमा।